हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और ये जो मेकअप देख रहे हो ये आप नवरात्रि पे बना सकते हो। इस तरीके का मेकअप करने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। फुल डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड है, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो। और देखिए तो इसके साथ खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बता रही हूँ जो कि नवरात्रि स्पेशल है। नवरात्रि आने वाले हैं तो अगर आपके पास बहुत सारा हेयर पिन वगैरह नहीं है, सिर्फ एक रबड़ बैंड की मदद से आप ये खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल बना सकते हो। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इस हेयर स्टाइल का, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत लगेगा आपके साड़ी लुक के साथ। अगर आप साड़ी डालते हैं नवरात्रि पूजा में तो आप ये वाला हेयर स्टाइल करके दशहरे में जा सकते हो। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, किस तरीके का इयरिंग्स वगैरह पहनना है सब कुछ बताया हुआ है। तो ये मेकअप आप कर सकते हो, इस मेकअप के साथ कैसा हेयर स्टाइल करना है मेकअप की वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत इजी वे में बताया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये वाला मेकअप। तो इस मेकअप के साथ कैसा हेयर स्टाइल बनाना है आपको चलिए बता देती हूँ। ये मेकअप जरूर ट्राई कीजिएगा, लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ लिंक, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हो या फिर आई बटन पर क्लिक करके ये मेकअप ट्यूटोरियल देख सकते हो। फाइनल लुक कुछ इस तरीके का था, इस तरीके की साड़ी डाली थी, आई मेकअप लिपस्टिक सब कुछ परफेक्ट हुआ है। बहुत ईजी वे में कितनी क्वान्टिटी में कैसे मेकअप करना चाहिए सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ मैं अपने चैनल पर। मेकअप करने का सही तरीका क्या है, हम लोग क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से मेरे ऐसे हेयर हो रखे हैं, तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि हेयर डैमेज हो गए हैं, झाड़ू की तरह हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो हेयर पर मैं काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए टिप्स मैंने कल बताया था, और एक बहुत ही बेहतरीन सा और टिप्स है जो कि बहुत जल्दी लेके आऊँगी। मेरा उससे भी नहीं ठीक हो रहा था हेयर फॉल, तो मैंने दूसरा चीज़ अप्लाई किया है जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है ऑलमोस्ट 80% तक। मैंने बताया कि मेरा थायराइड की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन नॉर्मली आपको कोई बीमारी नहीं है और आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो जो भी टिप्स मैं बताती हूँ वो 100% इफेक्टिव है। मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ और रिजल्ट मिलने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। साड़ी के लिए नवरात्रि पूजा में इस तरीके से आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो क्राउन एरिया के हेयर को मैंने इतना सा लिया है, और इस तरीके से पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे और रबर बैंड को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। ये वाला रबर बैंड, ये मत सोचिएगा कि कलरफुल है तो दिखेगा, ये दिखेगा नहीं, बाद में बन से हाइड हो जाएगा ये रबर बैंड। तो इस तरीके से रबर बैंड को लगाया है, सिर्फ दो राउंड ही लगाया है, और हल्का हल्का सा खींच लेंगे इस तरीके से, ओके, जिससे कि लुक जो है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है बैक से। और इस तरीके से नीचे से हेयर को पकड़ के मैंने इस तरीके से टाइट कर लिया। अब साइड से हेयर को उठाएंगे एंड एक फिर रबर बैंड लगा देंगे। साइड से इस तरीके से हेयर को लेंगे जैसे कि फिनिशिंग अच्छी आए, ऐसे ही उठा के रबर बैंड नहीं लगा देना है। तो आपको साइड से इस तरीके से हेयर को लिया है, फ्रंट के हेयर छोटे हैं जो निकल रहे हैं उनको निकलने दीजिए, कोई बात नहीं। आप बस अपना साइड से हेयर बैक का बैक पे काम करिए अच्छे से, फ्रंट के हेयर को हम लोग बाद में सेट कर लेंगे, ओके। तो ये देखिए इस तरीके से निकल रहा है, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, क्योंकि लेयर कट किए हैं तो निकालने के ही के लिए ही कट करवाए हैं। अब इस तरीके से हेयर को लिया है, सॉरी रबर बैंड को लिया है, और इस तरीके से लगा देंगे। बाल काफ़ी पतले हो गए हैं झड़ने की वजह से, तो बीमारी जैसे ही ख़त्म हो जाएगी मेरा हेयर फॉल भी ठीक हो जाएगा, फिर हेयर दोबारा से पहले की तरह ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं हेयर कट को अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हेयर कट करने का फ़ायदा नहीं है जब तक कोई हेयर फॉल अच्छे से रुक ना जाए। तो हेयर फॉल रुकने के बाद ही मैं हेयर कट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो इस तरीके से फ्रंट के हेयर को मैंने ईयर के पीछे इस तरीके से कर लिया है, और बैक से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमको क्या करना है, सारे हेयर को एक साथ ले लेंगे इस तरीके से, और रबड़ बैंड को लगाएंगे। ये रबड़ बैंड है, और इस तरीके से सिर्फ इसी रबड़ बैंड की मदद से लगाएंगे, कोई भी और एक्स्ट्रा रबड़ बैंड या फिर हेयर क्लिप में बस हेयर पिन यू पिन लगेंगे और कुछ भी नहीं। अब इस तरीके से डोनट बन वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, और बहुत खूबसूरत सा बन यहाँ पे बन के रेडी होगा। बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, हल्का हल्का खींचेंगे, जिससे कि बाल की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है और वॉल्यूम दिखाना है हमको अपने बन में, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं की है, ना क्लचर है ना डोनट बन है, तो ओरिजिनल हेयर की मदद से ही ये हेयर स्टाइल कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से किया है, और यू पिन से सेट कर लेंगे अच्छे से, चारों तरफ से अच्छे से यू पिन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, डोनट बन क्लचर कुछ भी नहीं, तो सारा मतलब जो भी हेयर स्टाइल बन रहा है वो यू पिन पे ही टिका रहेगा। तो यू पिन को अच्छे से लगाइएगा इस तरीके से, ट्विस्ट करेंगे और साथ के साथ खींचते जा रही हूँ। अब दूसरी साइड से पहले हमने घुमाया था, फिर इसको दूसरी साइड से लेके जाएंगे और साइड साइड से इस तरीके से लपेट देंगे, और फिर से यू पिन लेंगे और इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे।
जहाँ जहाँ आपको लगे कि यूपिन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आप यूपिन लगा लीजिएगा। और काफ़ी प्यारा सा बन बन के यहाँ पे रेडी होगा। एंड में मेकअप मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में दिखाया था, मेकअप की वीडियो है चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा उस तरीके का मेकअप कर सकते हो आप। और ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आया था। अब जहाँ जहाँ लगे कि आपको यूपिन है हेयर को, हेयर बन को सेट करने के लिए, आप वहाँ वहाँ पर यूपिन इस तरीके से लगा लीजिएगा। वाह, काफ़ी प्यारा लग रहा है। हल्का हल्का खींच के मैं बन को और थोड़ा सा मैसी लुक दे रही हूँ और बड़ा बना रही हूँ, तो ये देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। मेरे चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस डे बाई डे अपलोड होते रहती है, मेकअप, हेयर स्टाइल और ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड हेयर कट और बहुत सारी चीज़ें लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी इस तरीके की अच्छी अच्छी और अट्रैक्टिव वीडियोज़ लेकर आ पाऊँगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे रबड़ बैंड अच्छे से हाइड हो चुके हैं, जो ब्लू कलर का रबड़ बैंड लगाया था, और बन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ आप गजरा या फिर कोई हेयर डेकोरेट करने वाला पिन लगा लोगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ऊपर में मेरे पास अभी नहीं था क्योंकि मैं न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ। धीरे धीरे सारा सामान ले आऊँगी, फिर आप लोगों के साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर किया करूँगी। और ये हमारा हेयर जो था वो निकल रहा था, तो इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा है और यहाँ पे यूपिन लगाएंगे। हेयर क्लिप नहीं लगाना है, यूपिन लेके जो बाल निकल रहे हैं उनको अच्छे से सेट कर देंगे। ओके, और नीचे से ये वाला हेयर जो दिख रहा है इसको भी यूपिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। और इसके बाद ये हमारा फाइनल लुक है। इसके बाद हमको झुमके डालने हैं, जो भी इयररिंग्स डालनी हैं। इस तरीके का हेयर स्टाइल है तो आप थोड़ा बड़ा इयररिंग्स ट्राई कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ। तो मैंने कैसे पहना था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरीके का झुमका पहना था इस हेयर स्टाइल के साथ। अभी तो मैंने रेडी नहीं हूँ, बस मैं हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेडी मैं साड़ी डाल के होंगी तो उसका वीडियो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया इस तरीके से आपको। मैंने ये झुमका ऑनलाइन नहीं बाय किया है, इसके साथ मुझे मांग टीका भी मिला था, ये मैंने दुकान से लिया था। इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। दूसरे ईयर में जो झुमका मैंने डाला उसका पेच जो है वो गुम हो चुका है, तो बस मैं ऐसे लगा के आपको दिखा दे रही हूँ। बस इसका पेच लेके मैं इसको पहनूंगी। मेरी नंद का रोका है तो वहाँ पे मैं कैसे रेडी होंगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मांग टीका कुछ इस तरीके का दिया था, ये मुझे 100 रुपीज़ में पड़ गया था और काफ़ी प्यारा भी है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बन जो दिख रहा है इसमें थोड़ा सा गजरा वगैरह लगा लीजिएगा, डेकोरेट कर लीजिएगा, जिससे आपका जो बन है और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखेगा। तो ये था मेरा फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मेरा इयररिंग गिर गया, फिर मैं इसको दोबारा से लगा लेती हूँ। बाय बाय।